दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे एक कुकिंग में। आज मैं स्पेशल मच्छी बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से। आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज का प्याज काट लिया है और 2 टमाटर, और उसके बाद जो है हरी मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये धनिया पत्ती है थोड़ी सी, और ये 2 किलो मच्छी है जो मैंने कटवा के अच्छी तरीके से धुलवा के मंगा लिया है। दोस्तों, एक भगोना लेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर 1 चम्मच ये जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद जो है धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और उसके बाद थोड़े से और डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद जो है हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और उसके बाद जो है ये फिश मच्छी मसाला है ये 1 चम्मच है। अगर आपके दुकान पे कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। ये उसके बाद 1 चम्मच ये डालेंगे नमक, थोड़ी सी तेल डालेंगे इसमें ताकि मसाले जो है मच्छी के साथ चिपक जाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है मच्छी इसमें डाल देंगे, डालने के बाद जो है इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से मसाले को मच्छी के साथ। उसके बाद फ्राई पैन रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाए उसके बाद जो है मच्छी करके एक एक इसमें डाल देंगे, एक एक करके इस तरीके से। उसके बाद जो है ऐसे फ्राई पैन को इधर उधर कर देंगे, उसके बाद पलट लेंगे थोड़ी देर के बाद, ऐसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे आप भी बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर जो है फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके निकाल लेंगे। इस तरह आप सारे मच्छी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसके बाद जो है ये फ्राई उसी फ्राई पैन में तेल डालेंगे थोड़ी सी, उसके बाद कटी हुई प्याज और हरी मिर्च कटी हुई उसमें डाल के ऐसे पका लेंगे प्याज को हरी मिर्च को। उसके बाद जो है ग्लेंडिंग करेंगे इसको, थोड़ी सी काली वाली सरसों डालेंगे, और उसके बाद जो है उसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद जो इस तरीके से, उसके बाद एक भगोना लेंगे, फिर चूल्हे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद उसके बाद मेथी डालेंगे, मेथी डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। उसके बाद जो है टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद जो है ढक्कन लगा देंगे, सॉरी नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लेंगे। उसके बाद ऐसे चला करके फिर जो है ढक्कन लगा देंगे, फिर 2-4 मिनट के बाद ऐसे ढक्कन खोल के उसके बाद जो है पीसे हुए जो मसाले हैं वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद जो है अच्छी तरीके से चला लेंगे इस तरह, आप भी कर लेंगे। उसके बाद जो है ढक्कन लगा देंगे और गैस की मीडियम होने रखेंगे, उसके बाद जो है इसको चलाएंगे 1-2 बार अच्छी तरीके से जो पक जाए हमारे मसाले। उसके अंदर जो है ये जो फिश मसाले मच्छी मसाला दिखाया था वो डालेंगे बस, और कोई मसाला नहीं डालेंगे इसमें। उसके बाद जो है मसाले को भूनेंगे मिक्स करके इसके साथ, फिर ढक्कन लगा देंगे और फिर जो है 2-3 बार ऐसे भून लेंगे अच्छी तरीके से इस तरह। उसके बाद फिर ढक्कन लगा देंगे, फिर जो है उसके बाद देख सकते हैं हमारा मसाला कैसे पक गया। उसके बाद जो हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ऐसे चला लेंगे, चला करके ढक्कन लगा देंगे फिर से 2 मिनट के लिए। जो देख सकते हैं दोस्तों हमारी मसाले जो के अंदर, उसके बाद जो है ये मच्छी एक एक करके डाल देंगे इस तरीके से आप भी। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे फिर 2 मिनट के बाद। दोस्तों देख सकते हैं हमारी मच्छी किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई है। आप भी ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों धनिया पत्ती डाल देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।